के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो है डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी, डिजिटल रैली रहेगी जो वीडियो और ऑडियो ब्रिज के माध्यम से होगी, जो है प्रधानमंत्री जी की एक लेटर है जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसके अलावा इसी तरह से जो है 14 तारीख को जो है एक बड़ी रैली जम्मू पुंछ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो रहेगी, जो सुबह 11 बजे रहेगी। तो ऐसे ही हम दो दिन के प्रवास पे यहाँ पे हैं जम्मू वेस्ट में, तो चौकआउट किया हुआ है हमें कि किस तरह से सारे प्रोग्राम करने हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री टेंडर का जो प्रथम वर्ष है, अगर हम देखें तो ये काफ़ी प्रभावशाली भी रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा। प्रभावशाली रहा क्योंकि मोदी जी ने इस समय में जो है काफ़ी ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो किए, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक का जो है उसके लिए कानून बनाना हो, चाहे राम मंदिर जो है उसको बनाने का जो मार्ग भी रहा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से संपूर्ण जो विश्व है इससे त्रस्त था, लेकिन जो है मोदी जी ने समय पर जो है लॉकडाउन जो है वो लगाया और उनकी जो पॉलिसीज ऐसी थी कि पूरे विश्व में जो है लोग मोदी जी की जो है प्रशंसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जैसे कि 1,70,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच के रूप में है और आत्मनिर्भर भारत की जो संरचना मोदी जी ने की है वो तो ज़रूर ही हमें जो है हमें इस जो मुश्किल समय है इससे निकालेगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर वर्ग के लिए अगर हम देखें 80 लाख करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन उपलब्ध कराया गया। ऐसी उज्ज्वला योजना के तहत जो है 3 माह तक जो है हमारी बहनें हैं मुफ्त में जो है उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। और इसके अलावा किसानों को सम्मान निधि के तहत पीएम किसान योजना के तहत किसानों को उनके अकाउंट्स में 2,000 रुपये की राशि आई। ऐसे ही हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे हमारे वरिष्ठ जो है जो गरीब जो विधवा थी, चाहे गरीब विकलांग थे, उनके अकाउंट्स में जो है 1,000 रुपये की राशि आई। इस तरह से ऐसे कई योजनाएँ जो श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसी तरह ऐसे कई काम हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किए गए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के रूप में किस तरह से जो है जो मोदी जी ने आज हम जानते हैं कि आज विश्व भर में जो है मोदी जी ने कम से कम 120 देशों में जो है अपनी दवाइयां आज भारत से गई हैं। और उसी तरह अगर हम मृत्यु दर देखें तो मात्र 2% है और अगर हम रिकवरी रेट देखें तो ये 50% तक जो है जो रिकवरी रेट है। पीपी किट्स की बात करें तो आज एक दिन में जो है कम से कम 3 लाख जो पीपी किट्स हैं हर रोज़ बनती हैं। तो हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर भी जा रहे हैं। उसी तरह आज हम कोविड-19 की बात करें तो इस समय में इस मुश्किल घड़ी को जिस तरह से जो है केंद्र नेतृत्व द्वारा हमें जो भी जम्मू कश्मीर में भी जो भी हमें काम दिए गए वो भाजपा का हर कार्यकर्ता वो हमेशा से ही देश के लिए एक राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता रहता है, एक समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। इस मुश्किल समय में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो बाहर निकली होगी, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर था, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार था। उसी कड़ी में आज हम जम्मू जिला में हैं तो जम्मू ज़िले में भी हर एक प्रोग्राम, चाहे वो फीड द नीडी प्रोग्राम हो, उसके तहत हर जगह जो है राशन बांटा गया। अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें तो 30 लाख से अधिक राशि जो है इन्होंने पीएम केयर फंड में जमा कराई है। लोगों को सैनिटाइजर और फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आरोग्य सेतु ऐप का जो कम से कम 60-70 हज़ार लोगों का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है। तो इस मुश्किल समय में भाजपा का हर कार्यकर्ता, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा तैयार है। और जो हमारा नेतृत्व है उस पर लोगों को विश्वास है, आज उसकी दृष्टि है, दृष्टिकोण है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम किसी भी महामारी का, किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से